अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबियन व आदम बैनल माई व तीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आफताबे अनवारे विलायत पेशवाए आलमे हिदायत रौनक़ मसनद रुश्त व हिदायत गंजीनाए असरार मुशाहिदाए अहदियत बेदार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत शेख फरुद्दीन मसूद गंज शकर कुद्दस सिर्रहु सिलसिले चिश्तिया की वो अजीमुशान शख्सियत के जिनके रूहानी मकाम को वक्त के जय्यद उलमा औलिया सुलहा अक्ताब और अगवास ने न सिर्फ ये कि तस्लीम किया बल्कि उनसे फ्यूज़ बरकात भी हासिल किए। आज हम आपके सामने उनका जिक्र मुबारक करेंगे। अगरचे आपकी शख्सियत और आपकी हयात मुबारक एक बहर ज़खार है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस नशिस्त में उस बहर ज़खार के चंद कतरे आपके सामने पेश करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका सिलसिला नसब खलीफा दोयम सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हों से मिलता है, इसलिए आप फारूकी कहलाते हैं। आपकी विलादत बासआदत 571 हिजरी में खेतवाल में हुई। ये मकाम चावी मशाइख के नाम से जाना जाता है और बूरे वाला से 10 मील के फासले पर जुनूब की तरफ वाक़े है और ये ज़िला विहाड़ी कहलाता है, जहां बाबा साहब की विलादत बासआदत हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के जय्यद आलिम और काजी उल कुज़्ज़त। वालदा मोहतरमा नहायत नेक मुत्तकी परहेजगार पारसा खातून थी और मौलाना वजीहुद्दीन खजंदी रहमतुल्लाह अलैह की साहबजादी थी। उनका इस्मे गिरामी बीबी करसम खातून था। आपके दो भाई थे, शेख इज़ुद्दीन महमूद और शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल। वालदा मोहतरमा की तरबियत ने आपको एक बुलंद मकाम पर पहुंचाया और आप जानते हैं कि बच्चा माँ से बहुत ज्यादा करीब होता है। अगर माँ नेक हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, तो यकीनन औलाद भी उसी तरह नेक उठती है। माँ की तरबियत, माँ के खून, माँ के दूध का असर बहरहाल होता है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा बचपन में तरबियत दे रही हैं अपनी औलाद को, तो आप अंदाज देखिए। आप जानती थी कि बाबा साहब को शकर पसंद है, तो शकर की पुड़िया बनाकर और जाए नमाज के नीचे रख दिया करती थी और फरमाती, बेटा फरीद, जो बच्चे पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं उनकी जाए नमाज के नीचे से शकर की पुड़िया निकलती है। बाबा साहब कमसिन थे, इसी शौक में नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद जब जाए नमाज का कोना हटाते तो नीचे शकर की पुड़िया निकलती, वो खा लेते, सिलसिला चलता रहा। एक दिन जाए नमाज के नीचे वो पुड़िया रखना भूल गई। बाबा साहब आए और उन्होंने नियत बांध ली। अब उन्होंने देखा और परेशान हुई कि जब ये
इस मुसल्ले का जायनमाज का कोना हटाकर मेरा बच्चा देखेगा और वो पुड़िया नहीं मिलेगी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ इलाहुल आलमीन अपनी इस गुनाहगार बंदी की लाज रख ले, मैंने अपने बच्चे को नमाज का पाबंद बनाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया। नेक औरत थी, पारसा थी, मुत्तकिया परहेजगार थी, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। बाबा साहब ने नमाज अदा की, सलाम फेरा और जैसे उनकी आदत थी कि जाए नमाज का कोना हटाया तो उसके नीचे से वो शक्कर की पुड़िया निकल आई। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत की और मकबूल बारगाह इलाही थी कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया, मुस्तजाब दावा थी। उनकी तरबियत ने बाबा साहब को बुलंद मकाम पर पहुँचाया। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले कुरान करीम हिफ्ज़ किया। ज़हानत और फ़तानत अल्लाह ताला ने आपको बेहद अता फरमाई थी। बहुत कम उम्री में कुरान करीम न सिर्फ पढ़ा बल्कि मुकम्मल हिफ्ज़ फरमा लिया। 15 साल की उम्र हुई तो मुल्तान तशरीफ़ ले गए, वहाँ एक आलिम दीन मौलाना मिन्हाजुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनकी मस्जिद में ठहरे और उन्हीं से फ़िका की एक किताब नाफ़े ये आपने पढ़ना शुरू की। इत्तफाक़ ये हुआ कि कुतुबुल अक्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो बाबा फरीद के पीर व मुर्शिद, आपकी पहली मुलाकात अपने पीर से उसी मस्जिद में हुई। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और उसी मस्जिद में उनका क़याम था। उन्होंने देखा कि एक नहायत खूबसूरत हसीन व जमील और न सिर्फ ये कि खूबसूरत खूबसीरत नौजवान एक किताब बड़े शौक़ से लगन के साथ पढ़ रहा। आप उनके पास तशरीफ ले गए, फरमाया मसूद क्या पढ़ रहे हो? अर्ज़ किया हुज़ूर किताब नाफ़े। कुतुब साहब ने पूछा बाबा साहब से, ये किताब तुम्हें नफ़ा देगी? अब आप देखिए कि 15 साल की उम्र है, बच्चा है, कोई भी जवाब दे सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला सलाहियतें पहले ही पैदा फरमा देता है। कुतुब साहब ने पूछा कि बेटा ये किताब तुम्हें नफ़ा देगी? किताब का नाम नाफ़े है, नफ़ा देने वाली। तो बाबा साहब ने फरमाया आपकी निगाह करम मुझे नफ़ा देगी। कितना प्यारा जवाब दिया। कुतुबुल अक्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खुश हुए और आपको दुआओं से नवाजा। बस उसी दिन से बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के दिल में हज़रत कुतुब साहब की मोहब्बत पैदा हो गई। फिर जितने दिन आप वहाँ रहे, उनकी खिदमत में रहे, खिदमत करते रहे, उनकी सोहबत में बैठते रहे और जब हजरत रवाना होने लगे तो 3 मंजिल तक आपके साथ आए। कुतुब साहब ने फरमाया बेटा अभी इल्मे दीन हासिल कर लो, इसके बाद फिर हमारे पास आना। कहा ठीक है जैसा आपका हुक्म। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ ले गए और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह वापस उसी मस्जिद में तशरीफ ले आए और आपने वक्त के जय्यद उलमा से कस्बे इल्म किया और बाद रिवायतों में आए कि इसके बाद 5 साल मुकम्मल आपने इल्म दीन हासिल किया। कुरान, हदीस, फिक्र, मंतिक, फ़लसफ़ा, दीगर चीज़ें, तमाम ज़ाहिरी उलूम में मुकम्मल दस्तरस हासिल की। 5 साल तक आपने मुसलसल ये उलूम व फ़नून हासिल किए और जब मुकम्मल आलिम दीन हो गए, इसके बाद दिल में जो एक इश्क़ इलाही की आग एक लगी हुई थी, एक तड़प थी, एक लगन थी, एक बेचैनी बेकरारी थी, अब वो ज़ाहिर मुर्शिद कामिल की निगाह से ही दूर होनी थी। ज़ाहिरी उलूम में कामिल हो गए, अब चले पीर मुर्शिद की जानिब। जब आप रवाना हुए, बगदाद तशरीफ़ ले गए, बगदाद के तमाम मशायखीन से आपने मुलाकात की,
वहां आपकी मुलाकात हुई हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से, उनकी खानकाह में रहे। बाबा साहब फरमाते हैं कि उनकी खानकाह में रोजाना 10,000 दीनार नजराना आता था, जो मुख्तलिफ लोग देते थे 10,000 उस जमाने में। लेकिन शाम से पहले पहले आप सब का सब गरीबों मिस्कीनों यतीमों में तकसीम फरमा दिया करते, लोग आते थे लेकर जाते थे और शाम से पहले पहले एक पैसा भी बाकी नहीं रहता, रोजाना यही कैफियत थी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे, उनसे फ्यूज़ व बरकात हासिल किए, उनकी खानकाह में रहे। उसके बाद यहाँ से रवाना हुए शेख अदल शेराजी, शेख सैफुद्दीन बाखजरी, इन दोनों मशाइखीन से भी मुलाकात हुई, इनसे फ्यूज़ व बरकात हासिल किए। फिर वहाँ से रवाना हुए मुल्तान में शेख भाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, कुद्दस सिर्रहू की खिदमत में पहुँचे, उनसे फ्यूज़ व बरकात हासिल किए। और यहाँ से फिर आप देहली तशरीफ़ लाए, कुतुब अल-अक़्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। कुतुब साहब ने आपको देखा, मुस्कुराए, उसी वक्त सिलसिले चिश्तिया में आपको बैत फरमाया, फरमाया फरीद तय का रोज़ा रखो, यानी 3 दिन इस तरह रोज़ा रखो कि सिर्फ पानी से सहरी और पानी से इफ्तार। फरमाया ठीक है, मैं कर लूँगा। और इस दौरान गैब से जो चीज़ भी आए खाने के लिए उससे इफ्तार कर ले, यानी इफ्तार के वक्त गैब से कोई चीज़ आएगी। फरमाया ठीक है। आपने रोज़ा रखा, पानी से इफ्तार कर लिया, कोई चीज़ नहीं आई, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो एक आदमी 2 रोटियां लेकर आया। अब आप गौर कर सकते हैं कि 3 दिन से जिसने कुछ ना खाया हो तो, और रोटियां जब आ जाएं तो आपने समझा कि शायद ये गैब से ही है। फिर मुर्शिद ने फरमाया था कि जब गैब से कोई चीज़ आ जाए तो उसी से इफ्तार कर लेना। तो पानी से आपने इफ्तार किया, उसके बाद फिर वो रोटियां जो थीं वो खाईं, लेकिन खाते ही पेट में सख्त किस्म का दर्द तकलीफ़ महसूस हुई और कुछ देर के बाद ही आपको उल्टी होना शुरू हुई, और इतनी उल्टी हुई कि सारा जो कुछ खाया पिया था सब निकल गया। पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा बयान किया। फरमाया कि ये रोटियां एक शराबी के घर से आई थीं, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे मैदे को साफ कर दिया और इस हराम रिज़क को तुम्हारे जिस्म में ठहरने नहीं दिया। तुम्हें जो उल्टी हुई इसमें भी हिकमत थी कि वो सब चीज़ जो थी वो सब के सब तुम्हारे जिस्म से बाहर हो गई। लेकिन अब फिर 3 दिन रोज़ा रखो। कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर आपने 3 दिन उसी कैफियत में रोज़ा रखा। अब आप गौर करें कि 6 दिन इस तरह गुजर जाएं कि एक लुकमा मुंह में न जाए तो जिस्म में कितनी कमज़ोरी, नकाहत, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इस्तेकामत भी साथ साथ, नकाहत भी थी और इस्तेकामत भी थी। जब तीसरा दिन हुआ और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो जिससे इफ्तार किया जाए, पानी तो आपने पी लिया, इफ्तार कर लिया, तो चंद संग रेजे यानी मिट्टी के वो उठाकर मुंह में रख लिए। जब वो रख लिए तो वो सब के सब शकर बन गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि आपने उन सब को मुंह से निकाल के फेंक दिया कि कहीं ये शैतान की तरफ से ना हो। फिर दोबारा कैफियत हुई, भूख लगी तो फिर उठा के रखा, फिर शकर बन गए। जब तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ तो फिर फरमाते कि मैंने महसूस किया कि नहीं, ये अब शैतान की तरफ से नहीं, ये तो रहमान की तरफ से। पीर मुर्शिद ने भी फिर आपको हुक्म दिया और ये बशारत भी दी उन रोज़ों के कबूल होने की भी, और ये भी फरमाया कि यह अल्लाह ताला की तरफ से है कि जो तुमने मुंह में रखा भूख की वजह से अल्लाह ने उसको शकर बना दिया, इसको तुम खा सकते हो और तुम इसको खा लो। आपने खा लिया। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने फरमाया अब चिल्लाए माकूस करना है। चिल्लाए माकूस क्या है? कहा हुजूर मैं तो जानता नहीं कि क्या है। फरमाया कोई जगह ऐसी तलाश करो कि जहां मस्जिद हो, मस्जिद के करीब एक घना दरख्त हो, उस दरख्त के नीचे एक कुआं हो। ये 3 चीज़ें एक साथ होनी चाहिए
फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, आप तलाश में निकल गए, दिल्ली में देखा, हांसी में देखा, दीगर शहरों में तशरीफ ले जाते रहे, कहीं मस्जिद है तो दरख्त नहीं है, कहीं दरख्त है तो कुआं नहीं है, कहीं दो चीज़ें हैं, कहीं एक चीज़ है। और पीर मुर्शिद ने फरमाया था ये तीनों चीज़ें एक जगह होनी चाहिए। आप इसकी तलाश में चलते रहे, यहां तक के भावलपुर के करीब ऊंच शरीफ पहुंचे, अहमदपुर शर्किया। वहां देखा तो एक मस्जिद, उसके करीब दरख्त और उसके नीचे कुआं। ये तीनों चीजें एक ही जगह आपको मिल गई। पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए, उनको बताया, फरमाया इस कुएं में उल्टा लटक कर इबादत करनी है। एक चीज बताई कि ये तुम्हें पढ़नी, और ये अमल रोजाना रात में दो घंटे या तीन घंटे, कुछ मुद्दत आपने बताई कि इस मुद्दत तक, इतने घंटे तक करना है। कोई ऐसा शख्स हो जो मोतमिद हो, जो इस राज को फाश ना करे, वो तुम्हारे पैरों में रस्सी बांध कर दरख्त से बांध दे और कुएं में लटक कर फिर तुम इबादत करो। कहा ठीक है। एक शख्स जो वहां पर उसी मस्जिद में मुअज्जिन, ख्वाजा रशीदुद्दीन मीनानी, जो हांसी के रहने वाले थे और वो भी बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान थे और बाबा साहब से बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते थे, आप उनके पास तशरीफ ले गए, उनको एतमाद में लिया, पीर मुर्शिद की सारी बातें बताई, फरमाया ये चिल्लाए माकूस है, इस तरह करना है, लेकिन इस राज को राज रखना है, किसी को बताना नहीं है। वो भी नेक आदमी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। कहा ठीक। पीर मुर्शिद ने हुक्म दिया ठीक है शुरू करो। जब तमाम लोग चले जाते, रात का वक्त होता, तो वो आपके पैरों में रस्सी बांध के दरख्त से बांध देते और उल्टा लटक कर यानी कुएं में आप होते थे और पैर ऊपर बंधे होते दरख्त से जो कुएं के ऊपर था, और फिर उसमें कई घंटे मुसलसल इसी कैफियत में जो चीज़ पीर मुर्शिद ने बताई थी वो आप पढ़ते थे। ये अमल 40 रोज तक किया, 40 रोज। और जब वो चीज़ मुकम्मल होती थी तो फिर वही मौज़िन जो थे वो आकर पैरों को खोल दिया करते थे और आप बाहर तशरीफ ले आते थे, लेकिन सारा दिन मुराकबे में मसरूफ रहते थे। जो कुछ वो बताया था पीर मुर्शिद ने वो पढ़ते थे, उसका विर्द करते थे, जिक्र अज़कार औराद व वज़ाइफ करते थे, और रात होती थी तो फिर दोबारा इसके लिए तैयार हो जाते। 40 दिन इस कैफियत में आपने किए, यानी इतनी इबादत और रियाजत की कि आपका लकब ही हो गया ज़ोहदुल अंबिया, यानी ऐसी इबादत करने वाला जैसा कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम करते थे। रियाजत व मुजाहिदा, चिल्ला कशी, तकवा, परहेजगारी, तहारत, पाकिजगी, ये तमाम चीज़ें हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने की और अपने पीर व मुर्शिद की ज़ेर निगरानी ये चिल्ला कशी की। एक मरतबा सुल्तानुल हिंद, वलीउल हिंद, ख्वाजा ख्वाजगां, मोइन बेकसां, वाली हिंदुस्तान, अताए रसूल, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु नवर अल्लाह मरकदहु, दिल्ली तशरीफ़ लाए। बाबा साहब हुजरे में थे, पता चला कि बड़े ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए हैं, दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए हैं। आप हुजरे में रहे, इबादत में मसरूफ़ रहे, ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपको लेकर हुजरे में आए। बाबा साहब ने आहट सुनी, खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल रोज़ा, मुसलसल मुजाहिदा, मुसलसल चिल्ला कशी की वजह से जिस्म में नकाहत और कमज़ोरी पैदा हो गई। जब खड़े हुए तो खड़े न रह सके, कमज़ोरी की वजह से गिर गए। बड़ी मुश्किल से उठे, अपने आप को संभाला। ख्वाजा साहब ने देखा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नव्वर अल्लाह मरकदहु ने अपने मुरीद ख़ास और ख़लीफ़ा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, इस शहबाज को तुमने पिंजरे में बंद कर रखा है, अरे इसकी बर्बाद तो बहुत बुलंद है, इसको मजीद कितना जलाओगे, ये तो सब कुछ हो चुका, जो अता करना है अता कर दो।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर आप अता फरमा दें, आप अता फरमा दें। फरमाए ये तो तुम्हारा मुरीद है, हुजूर आपका भी तो खादिम है। फरमाया आओ तुम्हें भी अता करते हैं, इसको भी अता करते हैं। उसके बाद बाबा साहब को बुलाया और दोनों ने अपने दरमियान खड़ा कर कर दुआ की अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कुछ मुझे उस दिन मिला इसके अलावा मुझे कभी नहीं मिला। और इतनी नेमतें इन दोनों शेखैन ने यानी मेरे पीर ने मेरे दादा पीर ने उस दिन मुझे अता फरमाई कि उस दिन समझे मुझे सब कुछ मिल गया। कहा तुम्हें भी अता किया, तुम्हारे मुरीद को भी अता किया। ये शान है बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की कि उस इबादत रियाजत मुजाहिदा तकवा परहेजगारी उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने आपको एक बुलंद मकाम अता फरमाया। आपको अपने पीर मुर्शिद से बड़ी मोहब्बत थी, उनकी खिदमत करते थे। जब वो कहीं जाने के लिए खड़े होते तो उनकी नालैन उठाकर रखते, उनको वजू कराते, उनकी खिदमत में हमा वक्त तैयार रहते। लेकिन जब विसाल का वक्त करीब आया पीरे मुर्शिद के, उस वक्त आप उनके करीब नहीं थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनका विसाल हुआ तो उनके करीब दीगर मुरीदीन खुलाफा मशायखीन मौजूद थे। आपने अपनी नालैन खड़ा में जो लकड़ी की जूतियां होती हैं वो अपना असा और अपना जुब्बा ये उठाया। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे अता कर दें। फरमाया ये फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को दे देना। उन्होंने कहा ठीक। उन लोगों ने वो लेकर रख ली। ख्वाजा साहब का विसाल हो गया। विसाल की खबर मिली, हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए। मुरीदीन ने वो तमाम चीज़ें आपकी जूतियां नालैन खड़ा में जो लकड़ी की थी जुब्बा मुबारक और असा आपको दिया और आप वो जुब्बा पहनकर उनकी मसनत पर रौनक अफरोज हो गए। क्योंकि पीर मुर्शिद ने फरमाया था फरीदुद्दीन मसूद ही मेरा जानशीन है। मुरीदीन में खुलाफा में हर एक की ख्वाहिश थी कि हम जानशीन बने, लेकिन जब उनके पीर ने ये बता दिया और तबरुकात उन्हीं को देने का हुक्म दिया तो उन्होंने वो अमानत आपके सुपुर्द कर दी। आप वहां रौनक अफरोज हो गए। बाद रिवायत में आए कि 18 साल और दूसरी रिवायत में 24 साल मसनद रुश्त हिदायत पर रौनक अफरोज रहे। अच्छा, इब्तिदा में लोगों का हुजूम हो गया, आपके अंदर रूहानियत थी और रूहानियत में कशिश होती है, जो भी आपके चेहरे मुबारक को देखता आपका जिक्र सुनता आपकी तरफ दौड़ा चला आता, और ज़बान में भी तासीर थी कि जो कह दिया उसी वक्त हो गया, जिस पर निगाह डाल दी जाहिर और बातिन को पाक कर दिया। लेकिन जब मजमा कसीर होने लगा तो आप वहां से कूच कर गए। लोगों ने कहा हुजूर आपको तो अपना जानशीन पीर मुर्शिद ने बनाया है, आपको तो नेमत दी है, आपको तो ये अमानत दी है। कहा जो कुछ उन्होंने अमानत दी है वो मेरे साथ है, मैं जहां बैठ जाऊंगा उनका सिलसिला वहीं शुरू हो जाएगा। और हकीकत भी यही थी कि जो रूहानी नेमत हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने आपको अता की थी वो तो आपके सीने में थी, वो तो आपकी जात में थी। मुख्तलिफ मकामात से होते हुए आखिर में आपने पाक पट्टन शरीफ को अपना मरकज बनाया और वहीं पर रौनक अफरोज हो गए, मुस्तकिल सुकूनत वहीं पर इख्तियार फरमा ली। कैफियत ये थी कि रोज़ाना रोज़ा रखते थे, शरबत से इफ्तार करते थे, फिर नमाज मगरिब अदा करते थे। अच्छा, वो शरबत भी चंद घूट लेकर फिर मुरीदीन में तकसीम फरमा दिया करते थे। लोग बैठे होते थे कि हमें ये तबर्रुक मिलेगा। नमाज मगरिब अदा फरमाते थे तो दो रोटियां रोगनी वो आपकी खिदमत में पेश की जाती, एक रोटी फ़ुकरा को दे देते, दूसरी रोटी में से चंद लक़्मे तनावुल करते और बाकी वो आधी रोटी भी तकसीम कर दिया करते। जबकि इसके बाद सुर्ख रंग का दस्तरखान बिछता था जिस पर अनवाओ अकसाम के खाने चुने जाते थे। गुरबा, मसाकीन, युतमा, फुकरा ये सब आते थे, भरपूर खाते थे, पेट भर के खाते थे।
लेकिन जो खिला रहा था वो चंद लुक में खाता था, वो चंद घूट शरबत के पीता था। यही आपकी गिजा थी, असल गिजा तो आपकी इबादत थी, रियाजत थी, मुजाहिदा था, तकवा था, परहेजगारी थी, असल आपकी ज़िंदगी तो उसी से थी। आपका नाम शकरगंज, इसकी वजह तस्मिया है। बहुत से लोगों ने इसकी बहुत सारी वजह लिखी हैं। पहली चीज़ तो वही जो हमने एक रिवायत बयान की कि बचपन में आपकी वालदा मोहतरमा शकर की पुड़िया जानमाज के नीचे रख दिया करती थी। एक दिन वो रखना भूल गई, लेकिन उसके बावजूद भी शकर की पुड़िया मिल गई। दूसरी रिवायत ये कि एक ताजिर गुजर रहा था, बाबा साहब ने देखा बोरियां लदी हुई हैं, सामान जा रहा है, उसको रोका, पूछा क्या ले जा रहे हो। वो जितनी बोरियां थी सब में शकर थी, शकर का ऑर्डर था और वो सामान लेकर जा रहा था। उसको ये पता था कि हजरत को शकर पसंद है। उसने सोचा अगर मैंने कह दिया कि शकर है तो ऐसा नहीं कह दे कि एक बोरी यहाँ उतार दो। ऐसे ही मजाकन उसने कहा हुजूर नमक है नमक। फरमाया अच्छा आप तो रोशन जमीर थे, आपकी निगाह मुबारक तो एक्सरे कर दिया करती थी, आप समझ लेते कि सच बोल रहा है या झूठ। जब उसने कहा नमक है तो बाबा साहब ने फरमाया नमक है तो नमक ही होगा, अगर नमक है तो नमक ही होगा। चला गया मंजिल ब मंजिल सफर करते 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 जब उस मकाम पर पहुंचा जहां से ऑर्डर मिला था और सारी बोरियां उतारी तो जितनी भी बोरियां शकर की थी सब की सब नमक में तब्दील हो चुकी। अब हैरान हुआ, सर पीट के रह गया कि ऑर्डर तो शकर का था, ये तो नमक हो गया। फिर ख्याल आया कि हाँ बाबा साहब से ये झूठ बोला था, शकर के बजाय नमक कह दिया। फिर वापस पलटा, हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, माफी मांगी। फरमाया क्या हुआ हुजूर, वो तो शकर थी, मैंने तो झूठ कह दिया कि नमक है। फरमाया पहली बात याद रखो, अल्लाह वालों से कभी मजाक ना किया करो और झूठ ना बोला करो। उसने बड़ी माफी मांगी। फरमाया तीर कमान से निकल चुका। कहा नहीं, जो तीर छोड़ सकता है वो वापस भी ले सकता है। बाबा साहब मुस्कुराए, फरमाया ठीक है, अगर शकर थी तो शकर ही हो जाएगी। अब आप देखिए कि जो जबान से निकल रहा है वही हो रहा। हदीस कुदसी में वलिसान अहुल्लती यतकल्लम बिही, अल्लाह फरमाते मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। जो जबान से निकल गया वही हो गया। अगर शकर थी तो शकर ही हो जाएगी, और हकीकत में वो सब की सब बोरियां जो नमक की थी वो शकर में तब्दील हो गई और वो वहां से रवाना हो गया। इसी तरह एक और रिवायत, एक रोज इबादत और रियाजत में मसरूफ थे, नफ्स अम्मारा ने खाने की ख्वाहिश जाहिर की। जाहिर भूख महसूस होती है ना, और नफ्स का तोड़ यही है कि जो नफ्स चाहे उसके खिलाफ करो। आपने फरमाया मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, कितना ही तू मुझे बेचैन करे भूख से, खाना नहीं दूंगा, इबादत में लगे रहे। अब जाहिर है इधर भूख की शिद्दत, बेचैनी, बेकरारी, नकाहत, कमजोरी, और आप फरमाते नहीं। जब बहुत ज्यादा भूख लगी तो आपने चंद संग रेजे उठाकर अपने मुंह में रख लिए, मैं तुझे ये दूंगा, और जब मुंह में रखे वो सब के सब शकर बन गए। एक रिवायत ये भी है। दूसरी रिवायत ये है कि एक दिन आप रोजे से थे, इफ्तार का वक्त था, खाने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिससे इफ्तार करें। सोचा कि पीरो मुर्शिद के पास जाकर मैं इफ्तार कर लूं। सख्त बारिश हो रही थी, तेज मूसलाधार, और आप वो लकड़ी की खड़ावें पहने हुए थे, कीचड़ थी, रास्ते में तेजी के साथ चलते हुए जब आए तो पैर फिसला और आप मुंह के बल गिरे। जब गिरे तो कुछ कीचड़ और मट्टी आपके चेहरे मुबारक पर और कुछ मुंह के अंदर भी चली गई। तो जितनी मट्टी कीचड़ मुंह के अंदर गई थी वो सब की सब शकर बन गई। जब ये वाकया पीर मुर्शिद ने सुना, फरमाया फरीद शकरगंज है, फरीद शकरगंज। इसी तरह मुख्तलिफ औकात में वाकयात पेश आए जिसकी वजह से आपका लकब हो गया फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। वैसे आपके अलकाबात में
शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जोहदुल अंबिया और शकरगंज, ये तीन आपके अलकाब जो हैं ये बहुत मशहूर हैं। आपने सारी जिंदगी इबादत और रियाजत में, मुजाहिदे में, तबलीग दीन में गुजारी और आखिरी वक्त तक दीन इस्लाम की तबलीग में, इशात में मसरूफ रहे। एक मरतबा खाने के लिए बैठे तो खादिम ने नमक कर्ज ले लिया, नमक नहीं था, तो उसने कहा कि पैसे बाद में दे देंगे, वो ला के रख दिया। आप उस जैसे ही खाने के लिए बैठे, फरमाया इस खाने में इसराफ है, लिहाजा ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। उसी वक्त आप उठ गए, और जब बाद में मालूम किया गया तो पता चला कि जो नमक खाने में रखा गया था वो कर्ज लेकर रखा गया। नहायत सादा गिज़ा इस्तेमाल करते थे, जबकि फ़करा मसाकीन को अनवाओ अकसाम के खाने आपकी इस दरबार से, लंगर खाने से रोज़ाना दोनों वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के शानदार खाने दिए जाते थे, और आपकी गिज़ा सिर्फ शरबत, जिससे रोज़ा इफ्तार करते थे, वह भी आधा गिलास पीकर बाकी मुरीदीन को दे दिया करते। इसी तरह दो रोटियां लाई जाती हैं, एक पहले तकसीम कर देते, दूसरी रोटी में से तीन या चार निवाले या उससे भी कम लेकर बाकी रोटी भी तकसीम कर देते। ये आपकी ग़िज़ा थी। सारी ज़िंदगी रुज़ो हिदायत में गुजारी और हज़ारों लोगों को मुशर्रफ़ इस्लाम किया, और न जाने कितने बेशुमार लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया और उनको सीधी राह दिखाई। 25 मुहर्रम अल हराम 664 हिजरी को पाक पट्टन में आपने विसाल फरमाया। आपके मज़ार मुबारक के पातियों यानी कदमों की जानिब एक दरवाज़ा है जिसे जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है, और मशहूर ये है कि जो इस दरवाज़े से गुज़र जाएगा वो जन्नती हो जाएगा। हर साल 5 मुहर्रमुल हराम को आपका उर्से मुबारक पाक पट्टन शरीफ में होता है, वो दरवाज़ा खुलता है, लोग उससे गुज़रते हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसको मजाक समझते हैं, हंसते हैं, एतराज़ात करते हैं कि इस दरवाज़े की क्या हकीकत है, इसका मतलब है कि जो गुज़र गया उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए। देखिए इसके मुतालिक कई रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये है कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके मुरीद, खलीफा और जानशीन, आपने फरमाया था कि मैं अपने पीर के विसाल के वक्त उनके करीब नहीं था, निज़ामुद्दीन तुम भी मेरे विसाल के वक्त करीब नहीं होगे, मेरे विसाल के बाद आना, तुम्हें तबरुकात मिलेंगे और तुम मेरे जानशीन होगे। महबूब इलाही चले गए, आपका विसाल हो गया, इत्तला मिली, पाक पट्टन शरीफ पहुँचे, और उन्होंने फिर आपका हुजरा मुबारक जो अब है, जहाँ मज़ार मुबारक है, वो सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया। कदमों की जानिब उन्होंने एक दरवाज़ा बनाया और फरमाया ये जन्नती दरवाज़ा है, और लोगों ने जब पूछा तो फरमाया कि इस मकाम पर मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को खड़ा देखा था, कि सरकार यहाँ पर खड़े हुए हैं, तशरीफ़ फरमा, मैंने सरकार को देखा, तो इस वजह से उनके मुबारक कदम इस मकाम पर लगे, लिहाजा ये जन्नती दरवाज़ा है। एक रिवायत तो ये, दूसरी रिवायत ये है कि बाबा साहब ने फरमाया कि जो हमारे इस रास्ते से गुज़र जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, हमारे इस रास्ते से गुज़र जाएगा। अब आप गौर करें, ये ज़ुमाने अल्फाज हैं, उनका रास्ता क्या है? हिदायत का रास्ता है, शरीयत का रास्ता है, तरीक़त का रास्ता है, हकीकत और मारिफत का रास्ता है। तो बाबा साहब ने फरमाया जो हमारे रास्ते से गुज़र जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, तो एक मतलब तो ये है कि जो हमारे तरीक़े पर चलेगा वो जन्नती हो जाएगा, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। जो बुज़ुर्गान दीन के तरीक़े पर चले, जिन्होंने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, यकीनन वो जन्नती हो। और दूसरा माने कि इस दरवाजे से जो गुज़र जाएगा, इस रास्ते से जो गुज़र जाएगा,
उसकी हकीकत क्या है? एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि क्या वाकई ऐसा होता है? उन्होंने कहा हाँ, मैंने यहां खड़े होकर देखा कि जो लोग गुजर रहे थे, मैंने गुजरने से पहले उनके चेहरों को देखा और गुजरने के बाद मैंने चेहरों को देखा, तो मैंने देखा कि गुजरने के बाद उनके चेहरे चमक रहे थे, गुनाहों से पाक हो चुके। इसमें एक हिकमत यह भी थी कि जो यहां से गुजरेगा वो फिर सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा कि अब मैं क्योंकि इस दरवाजे से गुजर चुका हूं, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, लिहाजा आइंदा मैं तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा से सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूं। और हकीकत में ऐसा हुआ भी कि लोगों ने, हजारों लोगों ने वहां से गुजरने के बाद तौबा की और उसके बाद सच्चे पक्के नेक मोमिन मुसलमान बन गए। बहरहाल हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है कि जो बुजुर्गान दीन के फरमान पर अमल करेगा और उनके बताए हुए तरीके पर रास्ते पर चलेगा, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर ज़रूर जन्नत में जाएगा। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आज भी जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। जिस वक्त आपने वहाँ कदम रखा वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब वहाँ रौनक अफरोज हुए, मखलूक खुदा खुद ब खुद वहाँ पर पहुँच गई। आपकी ज़ात मुबारक से सिलसिला चिश्तिया को बड़ा फैज़ हासिल हुआ। आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा, और आपके मुरीद और खलीफा सुल्तान मशाइख सुल्तान निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिले चिश्तिया की एक ऐसी कड़ी है, ये सिलसिला तो ज़हब है, ये सोने की कड़ियां हैं जो एक कड़ी दूसरे के साथ मिली हुई है। फैज़ का सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। आखिर में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत अता फरमाए, उनकी इत्तेबा फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।